नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया से AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी व सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा नेता अरविंद कुमार गौतम ने ओम प्रकाश राजभर व असदुद्दीन ओवैसी के मुलाकात के बाद न्यूज नाइन भारत चैनल से की खास बातचीत। आपको बता दें कि यूपी के राजधानी लखनऊ में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद यूपी के बलिया जनपद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी व सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा नेता अरविंद कुमार गौतम भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान से हुए रूबरू। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज नाइन भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ अब्दुल हमीद खान की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड सीयर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दूं कि कल जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कल इन दोनों बड़े नेताओं की लखनऊ में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद से उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां तेज़ हो गई। इसी सिलसिले में हमारे साथ AIMIM पार्टी बलिया से जिलाध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी साहब हैं और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से युवा नेता अरविंद कुमार गौतम साहब हैं और जन अधिकार पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष नंदा वर्मा साहब मौजूद हैं और भी संगठन मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं उस पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से। तो आइए इनसे जानते हैं। आपको बता दूं कि जब लखनऊ में कल दोनों नेताओं की बैठक हुई, दोनों नेताओं का जो है फोटो वायरल होने लगा, दोनों नेताओं से आपसी मुलाकात के बाद से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में और AIMIM पार्टी में और उस मोर्चा में जितने भी पार्टियां भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितनी भी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी देखने को मिली। इसी सिलसिले में हमारे साथ AIMIM पार्टी बलिया से जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी हैं, जो इस समय AIMIM पार्टी को लेकर के काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और बलिया में जमीनी स्तर से जो है AIMIM पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लगातार धमाकेदार एंट्री के साथ इन्होंने AIMIM पार्टी को यहाँ मजबूत कर रहे हैं। इनकी मजबूती को देखते हुए यहाँ की तमाम पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सारी पार्टियों में खलबली मचा हुआ है कि AIMIM पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है बलिया में। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से कल जो ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं उनके मुलाकात के बाद इन लोग का किस तरीके से खुशी का इजहार ये लोग कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नाइन भारत चैनल से बात करने के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताएं कल आपके जो अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से जो सांसद हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर से कल मुलाकात किए, उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूं। बुलंद आवाज में सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका तहे दिल से अदा करता हूं कि आपने जो है मुझे काबिल समझा। देखिए, जो कल की मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो मुलाकात है, आप काबिल पत्रकार हैं, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं कि आज जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ना तो समाजवादी पार्टी में दम है, ना कांग्रेस पार्टी में दम है, ना ही बहुजन समाज पार्टी में दम है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितने भी सेकुलर दल हैं सबको एक प्लेटफार्म पर आना ज़रूरी है और उसी के सिलसिले में हमारे जो है ओम प्रकाश राजभर साहब जो हैं एक भारतीय जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा, एक भारतीय व्यवस्था के तहत, एक जमहूरी निज़ाम के तहत जो है उन्होंने जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया है जो एक तीसरे मोर्चे के रूप में काम करेगी और उसी फ्रंट में जो है उन्होंने जो है हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल किया है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा ये एक तीसरा मोर्चा है और ये तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ हैं
जिनको जमहूरी निज़ाम में यकीन है, विश्वास है, और वो भारतीय जनता पार्टी जो कि जनविरोधी सरकार है, जो कि हर मुद्दे पर फेल है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या जो है वो नौजवानों का मुद्दा हो या छात्रों का मुद्दा हो या मौजूदा वक्त में जो है किसानों का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो फेल है, जनविरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को, ऐसी निरंकुश सरकार को, ऐसी अहंकारी सरकार को जो है दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए जो है यह मोर्चा तैयार किया जा रहा है। यह एक तीसरा मोर्चा है और इसमें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है उन्होंने शामिल किया है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आने वाले वक्त में जो है ये मोर्चा जो है मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि ये जो है मोर्चा जो है एक नई इबारत उत्तर प्रदेश में लिखेगा और जो है गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित और तमाम तरह के लोगों की जो है लड़ाइयों को लड़ेगा, चाहे वो नौजवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, छात्रों की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, मुसलमानों की लड़ाई हो, पिछड़ों की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाइयों को लेकर के यह भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है एक नई इबारत लिखेगा और इसी मोर्चे के तहत जो है एक नई सरकार उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला बनेगी। हमारे साथ हैं अरविंद गौतम साहब जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा नेता हैं, ये बसपा छोड़ करके और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसका दामन थामे। तो आज आपसे हमारा सवाल है, आप लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं जो कल की मीटिंग हुई लखनऊ में उसको लेकर के, तो हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। आज बुलंद आवाज आज भागीदारी संकल्प मोर्चा दोनों मिलकर सुखबीन साहब और ओम प्रकाश राजभर छोटे छोटे नौ दल को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी है, जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवानों के विरोधी है, वह 2022 में मिलजुल करके लड़ करके उत्तर प्रदेश में नया सरकार की गठन करेगी और दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के अधिकार हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी और इस प्रदेश में एक नया प्रदेश का स्थापना करेगी और इस प्रदेश में अच्छा सुशासन का काम करेगी, कानून व्यवस्था लागू करेगी, शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था इस प्रदेश में लागू होगा। अच्छा, ये हमारा सवाल है जो कल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मुलाकात हुई उसके बारे में बताएं, आप लोग कार्यकर्ता पार्टी से, तो उस मुलाकात के बाद आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटे छोटे जो दल हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाए हैं, बना करके उत्तर प्रदेश में दमदारी से चुनाव 2022 में लड़ करके प्रदेश में सरकार बनाएंगे। यानी आप लोग को जो है कि कल की मीटिंग के बाद, मुलाकात के बाद अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब जोश दिखाई दे रहा आप लोगों में? हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सारे लोग मिल करके इसका सहयोग करेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। आप भी बताइए, आप तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा भी हैं और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो समय रहते जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा का दामन थामा, इससे हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है बहुत मजबूत हुई और ये मोर्चा भविष्य में जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाएगा। सरकार को हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोग समस्या का समाधान कर में मीटिंग हुई है ओवैसी साहब और ओम प्रकाश राजभर जी की, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, अनिल सिंह चौहान जी, पाल साहब, माने आठ दल मिलकर एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और सबका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके तहत ओवैसी साहब मिले, इस तरह से प्रदेश में एक नया खलबली मची हुई है और आने वाले समय में और भी दल इस मोर्चा में शामिल होंगे और जो वक्त बताएगा कि 2022 में इस सामंती ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए मोर्चा एकदम संकल्पित है और सरकार भी बनाएगा और हम इस देश में एक समतामूलक समाज स्थापित होगा और सबको हम भागीदारी देंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसी के साथ मैं मोर्चा के सारे दलों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं
और ओवैसी साहब को देर आए दुरुस्त आए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।